Hello students, you are welcome to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we are going to see the functions in SQL and we will also see some practical implementation of that. So, firstly, we are going to discuss what is SQL functions. SQL provides many built-in functions to perform operations on the data. अगर हम SQL की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास built-in functions होते हैं SQL में जो कि फंक्शन का क्या काम है कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम डेटा के ऊपर यूजिंग दीज फंक्शन सो दीज फंक्शन आर यूजफुल व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस सबस्ट्रिंग एटसेट्रा राइट जब कभी भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो या फिर आपको स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना हो या सबस्ट्रिंग्स से रिलेटेड कुछ वर्क करना हो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तब हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं सो देयर आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ SQL फंक्शंस First is aggregate function and next one is scalar function. If we talk about aggregate function, what are aggregate function? The aggregate function are used to do operations from the values of the column and single value is returned, right? So aggregate function mein kya hota hai? Ye function useful hote hain, kab use karte hain inko? Un operations ko perform karne ke liye use karte hain. जब भी हम कभी कॉलम पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इस केस में हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है राइट जबकि स्केलर फंक्शंस जो होते हैं ये यूजर के इनपुट पर बेस्ड होते हैं राइट दीज फंक्शन आर बेस्ड ऑन यूजर्स इनपुट दीज टू रिटर्न सिंगल वैल्यू ये भी हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं राइट सो एग्रीगेट फंक्शन और स्केलर फंक्शन को डिवाइड किया गया है एग्रीगेट फंक्शन में आपका एवरेज फंक्शन है राइट एवरेज फंक्शन का यूज हम देखेंगे किस तरह से करते हैं सेकेंड वन इज काउंट फर्स्ट फंक्शन लास्ट फंक्शन मैक्स जो मैक्सिमम कैलकुलेट करने का काम करता है मिनिमम एंड सम इन फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में एंड स्केलर फंक्शंस दैट आर यू केस दैट इज फॉर अपर केस लोअर केस मिड फाइंड आउट करने के लिए मिड फंक्शन लेंथ के लिए एलियन फंक्शन राउंड फंक्शन नाउ एंड फॉर्मेट राइट दीज फंक्शंस आर कॉल्ड स्केलर फंक्शंस तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका यूज हम किस तरह से करते हैं और इन फंक्शंस का सिंटेक्स क्या होने वाला है सो व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस देयर आर सम बेसिक अभी हमने डिस्कस किए थे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस तो सबसे पहला फंक्शन है एवरेज फंक्शन एवरेज फंक्शन क्या करता है किसी भी पर्टिकुलर न्यूमेरिक कॉलम पर अप्लाई होता है पहली चीज न्यूमेरिक कॉलम पर जब कभी भी आप एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं एवरेज फंक्शन का इट रिटर्न्स एवरेज वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम वैल्यूज इन अ न्यूमेरिक कॉलम राइट जनरल सिंटेक्स क्या होता है इसका सिलेक्ट AVG average, then column का नाम जिस भी कॉलम का आप एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम फ्रॉम द टेबल नेम किस पर्टिकुलर टेबल से आप करना चाहते हैं सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर द एवरेज फंक्शन नेक्स्ट वन इज काउंट फंक्शन इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द टेबल आइदर बेस्ड ऑन सम कंडीशन और विदाउट कंडीशन राइट यानी कि कुछ पर्टिकुलर बेसिस के बेसिस कुछ कंडीशन के बेसिस पर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी टोटल आपके पास रोज है तो आपकी टेबल में टोटल रोज काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट फंक्शन इसका जनरल सिंटेक्स है सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम ब्रैकेट में फ्रॉम टेबल नेम राइट कभी कभी हम डिस्टिंक्ट के साथ भी यूज करते हैं राइट यूज ऑफ काउंट डिस्टिंक्ट इज अ कीवर्ड तो काउंट फंक्शन को डिस्टिंक्ट के साथ कीवर्ड यूज करने कीवर्ड डिस्टिंक्ट के साथ काउंट यूज करने पर आपको क्या मिलता है लेट से हमारे पास सैलरी का एक कॉलम है और किन्हीं भी दो एम्प्लॉयज की सैलरी सेम है राइट लेट से दो एम्प्लॉयज की सैलरी 20,000 20,000 है तो उस केस में हमें वो 20,000 एक बार कैलकुलेट होगा राइट सो ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक बार काउंट करता है जो दो वैल्यूज एक साथ हैं तो उनको एक बार काउंट करेगा सो इफ यू वांट टू काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज की कितनी टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं सो यू विल यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड राइट एंड डिस्टिंक्ट विद द कॉलम नेम राइट ये मैंने कॉलम नेम लिखा है पर्टिकुलर तो आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम नेम के साथ डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं विद द काउंट फंक्शन नेक्स्ट इज फर्स्ट फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉलम राइट फर्स्ट कॉलम में जो किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिटर्न करता है सो इसका सिंटेक्स क्या है सेलेक्ट फर्स्ट देन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम सिमिलरली लास्ट फंक्शन रिटर्न्स द लास्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया उसकी लास्ट वैल्यू डिफाइन करता है लास्ट फंक्शन सो किस क्या सिंटेक्स है इसका सेलेक्ट लास्ट ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम तो स्टूडेंट्स यहाँ नोट करने वाली बात है कि जो फर्स्ट और लास्ट फंक्शन होते हैं ये केवल सपोर्टेड बाय ओनली इन MS Access में सपोर्टेड होते हैं राइट तो हम इनका कुछ डिफरेंट सिंटेक्स होता है MySQL में जो हम बताएंगे आपको
अभी वीडियो लेक्चर आप लास्ट तक देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट और लास्ट को हम किस तरह से यूज करने वाले हैं, बिकॉज दीज बोथ फंक्शंस आर सपोर्टेड ओनली इन द एमएस एक्सेल, राइट. नेक्स्ट इज मैक्स फंक्शन. इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द सिलेक्टेड कॉलम ऑफ द टेबल, राइट. तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी भी सिलेक्टेड कॉलम की वो आपको शो हो जाएगी. आप किस तरह से यूज करेंगे, सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम. सिमिलरली दिस इज द मिनिमम फंक्शन. इसका भी सिंटेक्स यही होगा. ये क्या करता है, पर्टिकुलर कॉलम जो आपने सिलेक्ट किया है उसकी मिनिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बताता है. सो सिलेक्ट मिनिमम ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ दिस मिनिमम फंक्शन. नेक्स्ट वन इज सम फंक्शन. सम फंक्शन आपको सिलेक्टेड कॉलम का सम कैलकुलेट करके देता है, राइट. फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलती हूँ कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स की एज गिवन है, उन एजेस का आपको सम करना है. सो यू विल राइट सेलेक्ट सम ब्रैकेट में एजेस फ्रॉम द टेबल नेम, जिस भी टेबल का आपको करना है, राइट. तो जितनी भी पर्टिकुलर कॉलम का सम होगा ये आपको प्रोवाइड करेगा. दीज आर सेवन आपके जो भी हमने अभी डिस्कस किए ये सारे हमारे थे एग्रीगेट फंक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्केलर फंक्शन, राइट. स्केलर फंक्शन रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम द इनपुट वैल्यू, right. Following are some frequently used scalar functions in SQL. So first one is uppercase function, right, ucase function. This is used to convert the value of a string column to uppercase characters. If you want to convert your whole column into the uppercase, aap chahte hain sara aapko uppercase mein mil jaye data, so you will use ucase function. Iska syntax hota hai select ucase bracket mein column name from the table name. This is the syntax for the ucase function. Next one is LCase function is used to convert value of a string column to the lower case. जैसे कि आपने अभी अपर केस में देखा था, similar way में आप लोअर केस फंक्शन का यूज कर सकते हैं. इसका सिंटेक्स होता है सेलेक्ट एल केस ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम, राइट. जिस भी आपको टेबल से आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है उस कॉलम नेम को, आप उस टेबल का नेम यहाँ देंगे. नेक्स्ट वन इज मेट फंक्शन. This is used to extract substring from the column values. किसी भी particular column से आप let's say कुछ particular substring को extract करना चाहते हो, तो उस case में हम mid function का use करते हैं. इसका syntax क्या होता है? Select mid column name. अब उस column name की आपको start और length देनी पड़ेगी, right? कि आपको कहाँ से वो start करना है और कितनी length उसकी देनी है, right? तो ये आप देंगे from the table name. ये syntax इसका mid function का होता है. Next is round function. Right, round function is used to round a numeric field to the number of nearest integer. Right, it is used on decimal point values. कभी भी किसी भी value को, किसी भी column की values को आपको round off करने के लिए use करते हैं हम round function. इसका syntax होता है select round bracket में column name comma decimal. Right, decimal आप provide करते हैं कितने decimal तक आपको वो value चाहिए from the table name. Right, decimal numbers of decimal to be fetched. कितने particular dot के बाद आपको कितने digits आपको चाहिए, so decimal आप provide करेंगे. Let's say मैं बोलती हूँ कि 2, तो आप decimal के बाद यहाँ पर 2 digits तक आपको उस column की value मिल जाएगी. And next function that is a scalar, that is length. Length की हम बात करें, so this function returns the length of the value in the text field. तो इसका जो सिंटेक्स है वो होता है सिलेक्ट लेंथ. लेंथ हम फुल लिखते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट लेंथ ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम. नेक्स्ट फंक्शन इज नाउ. नाउ फंक्शन करंट सिस्टम की जो करंट डेट एंड टाइम है वो बताता है, राइट. तो नाउ फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है पर्टिकुलर सिस्टम की आपको जिस भी टाइम पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस क्वेरी को, उस पर्टिकुलर टाइम का आपको डेट एंड टाइम शो करता है. सो सिलेक्ट नाउ फ्रॉम टेबल नेम इज द सिंटेक्स ऑफ दिस नाउ फंक्शन. एंड लास्ट वन इज फॉर्मेट. Format function is used to format how a field to be displayed, right? इसका हम use करते हैं कि आपका field कैसे display होना है, उस इसके लिए हम format function को use करते हैं. So इसका syntax है select format bracket में column name, right? And then आप उसका format define कर देते हैं from the table name. तो इससे क्या होता है, उस particular column को आप उस format में convert कर सकते हैं जिस भी format में आप चाहते हैं. Right, so these are some scalar functions. So now students, अब देख लेते हैं इनका practical implementations कि SQL में ये किस तरह से use होते हैं. So students, हमारे पास already एक database बना हुआ था जिसको हमें starting से use करते आ रहे हैं, that is organization. तो हम यही वही use करने वाले हैं यहाँ. Use organization.
ऑर्गेनाइजेशन यूज करने पर आपका डेटाबेस चेंज हो चुका है. अब लेट्स से हम आपको बोलते हैं कि शो टेबल्स, आपके पास टेबल्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं इसके अंदर. इसके अंदर अभी तक हमने दो टेबल्स क्रिएट की हुई है, एक डिपार्टमेंट और एक एम्प्लॉय. सो ये दो टेबल्स हैं. अब एक काम करते हैं, हम एम्प्लॉय टेबल की डिटेल्स देख लेते हैं, राइट. देन हम उस पर फंक्शन अप्लाई करने शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन का यूज, देन वी विल सी सम स्केलर फंक्शंस, राइट. सो हम देख लेते हैं इसका डेटा, क्या क्या कॉलम्स हैं इसमें और क्या डेटा फिल किया हुआ है. सो उसके लिए हम कमांड देते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय. सो दीज आर ऑल द कॉलम्स. अब हम यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं, राइट. सो एग्रीगेट फंक्शन में पहला फंक्शन है हमारा एवरेज, राइट. अब लेट से मुझे इस एज वाले कॉलम का एवरेज फाइंड आउट करना है, राइट. आपको जो एज कॉलम दिया है इसका आप एवरेज फाइंड आउट करेंगे. सो हाउ यू विल राइट, यू विल राइट द क्वेरी लाइक सेलेक्ट एवरेज और कॉलम का नेम. कॉलम का नेम है एज. एज कॉलम का आप एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं एज लेट से मैं जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह से मिले, एवरेज एज वाले वैल्यू में मिले फ्रॉम एम्प्लॉय. मैंने एज एवरेज एज इसलिए लिखा है क्योंकि एज अ रिजल्ट आपका यहाँ पर एवरेज एज लिखा गया, राइट. इससे आपको पता चल रहा है कि इस पूरे एज वाले कॉलम की जो एवरेज एज आई है वो ये निकल कर आई है, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द एवरेज फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज काउंट. काउंट फंक्शन, लेट से आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करना है, कितने एम्प्लॉयज की डिटेल आपने फिल की है. सो हाउ यू विल राइट सिलेक्ट काउंट. इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द होल रोज, सो यू विल राइट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय. सो यहाँ पर हमारी टोटल 8 रोज हैं, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट आ गया काउंट एस्ट्रिक इक्वल टू 8, राइट. अब लेट से मुझे डिस्टिंक्ट, अब जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर सैलरी आपकी 2x25,000 है, राइट. मुझे यूनिक सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो मैं काउंट के साथ, मैंने आपको बताया था डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं यूनिक रोज फाइंड आउट करने के लिए कितनी यूनिक रोज है. तो हम यहाँ पर देखते हैं सैलरी की यूनिक वैल्यूज काउंट करते हैं कि कितनी यूनिक सैलरीज आपने डेटा में फिल की हुई है. सो सिलेक्ट काउंट, यू विल यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड. डिस्टिंक्ट लेट से सैलरी as distinct salary from employee table, right. So इसे करने पर क्या होगा, आपकी total distinct salary कितनी है 7, क्योंकि 8 total rows हैं, but उनमें से एक salary दो बार repeat हो रही थी जो की थी 25,000, तो ये आपको दे रहा है 7 answer, right, क्योंकि आपकी 7 salary में 7 distinct rows हैं. Now students, एक था आपका मैंने फर्स्ट और लास्ट फंक्शन बताया था, दैट इज एग्रीगेट फंक्शन. सो वो आपका एमएस एक्सेस में सपोर्टेड होता है, बट अगर आप यहाँ एसक्यूएल में आप इसे देखना चाहते हैं कि किस तरह से वर्क करता है फर्स्ट एंड लास्ट फंक्शन, सो यू विल गिव फॉर द फर्स्ट फंक्शन आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट फंक्शन के लिए आप इस तरह से दे सकते हैं क्वेरी सिलेक्ट ई नेम. लेट से मुझे पहले एम्प्लॉय का नेम चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय, आप देंगे लिमिट 1, राइट. इससे क्या होगा, आपको पहले एम्प्लॉय का नेम पता चल जाएगा, यानी कि आपका जो पहली रो में जो एम्प्लॉय का नेम है दैट इज पूजा. नाउ इफ यू वांट टू गिव एज अ रिजल्ट फर्स्ट 2, सो आप इस क्वेरी में क्या कर देंगे, लिमिट आप 2 कर देंगे, राइट. लिमिट 2 करने पर फर्स्ट 2 एम्प्लॉयज आपको मिल जाएंगे. सो आई एम चेंजिंग इट टू 2. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पूजा एंड शालिनी, दो एम्प्लॉयज के नेम आपको मिल गए हैं क्योंकि आपने ई नेम को सिलेक्ट किया है विद लिमिट 2. सो दिस इज द यूज ऑफ, आप फर्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट जो मेन फंक्शन यूज होता है, फर्स्ट फंक्शन आपका यूज होता है मेनली इन एमएस एक्सेस. सिमिलरली लास्ट फंक्शन भी आपका मेनली इन एमएस एक्सेस यूज होता है. तो अब मैं लास्ट को भी बता सकती हूँ कि आप लास्ट यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं लास्ट फंक्शन का यूज. तो हम लास्ट को यहाँ यूज ना करके हम यहाँ देते हैं, लेट से मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, राइट. उनकी आईडी के बेसिस पर चाहिए कि कौन सा आईडी, लेट से आईडी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल कर रहे हैं, तो लास्ट आईडी जिस एम्प्लॉय की होगी मुझे उसका नेम चाहिए. सो हाउ आई विल राइट सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय
एम्प्लॉय. अब मुझे उन्हें ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देना है? ऑर्डर देना है उनकी एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग. सो आई एम राइटिंग ऑर्डर बाय ई आई डी, एम्प्लॉय की आई डी, डिस्क्राइब लिमिट 1, राइट. तो ये आपको ऑर्डर के बेसिस पर जो लास्ट एम्प्लॉय आएगा उसका नेम प्रोवाइड कर देगा. सो ऑर्डर के बेसिस पर जो लास्ट एम्प्लॉय आया है वो आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, राइट. तो अब हम बात करते हैं अपने मैक्स फंक्शन की. नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन. मैक्स मैंने आपको बताया था, मैक्स का आप किस तरह से यूज करते हैं. लेट्स से आपको मैक्सिमम सैलरी की डिटेल चाहिए कि कौन सी सैलरी मैक्सिमम है. सो यू विल राइट सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. सो 50,000 इज द मैक्सिमम सैलरी इन योर एम्प्लॉय टेबल, राइट. नाउ इफ आई वॉन्ट टू यू कैलकुलेट कि आपको मिनिमम सैलरी कैलकुलेट करनी हो, सो हाउ यू विल राइट सेलेक्ट मिनिमम सैलरी एज एज मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. So this is the minimum salary, that is 25,000, right? So this is the use of max and min function. Now sum function ka use dekh lete hain. Similar way mein jis tarah se aapne yahan diya hai, similar way mein aap sum calculate kar sakte hain. Let's say mujhe sari salaries ka sum chahiye. So how I will write, yahan par is function mein sirf minimum ki jagah sum kar denge. So it will give you the total sum of the कॉलम ऑफ सैलरी, राइट. जो आपका सैलरी वाला कॉलम है उसका टोटल सम आपको ये मिल जाएगा. सो दीज वर द एग्रीगेट फंक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्केलर फंक्शंस. सो हम बात करते हैं स्केलर फंक्शन में. सबसे पहले यूकेस फंक्शन, राइट. हमने पढ़ा था यूकेस फंक्शन. तो यूकेस फंक्शन को हमने, लेट्स से मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए अपर केस में, सेलेक्ट यूकेस ई नेम, राइट. एम्प्लॉय का नेम चाहिए अपर केस में फ्रॉम एम्प्लॉय. सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं सारे अपर केस लेटर्स में यहाँ पर शो हो रहे हैं. सिमिलर वे में आप एल केस फंक्शन यूज कर सकते हैं. यू विल राइट यू केस की जगह एल केस फंक्शन, राइट. एल केस फंक्शन ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. सो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ई नेम एम्प्लॉय के नेम है वो सारे स्मॉल केस लेटर्स में शो हो रहे हैं, लोअर केस लेटर्स में, right. So this is the use of upper case and lower case. Now if I ask you to calculate the first is in name mein se mujhe first four characters find out karne hain, so main mid function ka use karungi, right, kyunki mujhe particular substring ko select karna hai yahan se. So I will use mid function, select mid. Mid ke sath aap column name dete hain. Let's say maine e name diya और मुझे क्या चाहिए 1 से 4, यानी कि स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स चाहिए. 1 इसकी स्टार्टिंग है और 4 लेंथ है, यानी कि 1 से 4 आपने यहाँ पर दे दिया तो आपको फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स मिल जाएंगे. सिमिलरली आप कोई से भी मिडिल के कैरेक्टर्स भी आप सबस्ट्रिंग एज अ ले सकते हैं यहाँ पर. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से स्टार्टिंग लेंथ जो आपकी थी वो 1 थी. 1, 2, 3, 4 4 लेंथ तक आपने दिया तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर ई नेम के शो हो रहे हैं, right. This is how you can use a mid function. Next is length function. तो हम length बताएंगे यहाँ पर जो हमारे employee के names हैं उनकी कितनी कितनी length है, name कितनी length का है. So we will use length function. E name पर apply कर रहे हैं हम. E name from employee. सो यहाँ पर आपको लेंथ शो गई है कि फर्स्ट नेम आपका 5 लेंथ का है, सेकंड नेम आपका 7 लेंथ का है. दिस इज द लेंथ ऑफ द ईच नेम, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ नेक्स्ट स्केलर फंक्शन, दैट इज नाउ, राइट. नाउ मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर टाइम का टाइम एंड डेट शो करता है. नाउ फंक्शन से हम डिनोट करते हैं तो नाउ का यूज देख लेते हैं. सेलेक्ट, लेट्स से मुझे ई नेम चाहिए एंड आई एम यूजिंग नाउ, राइट, फ्रॉम एम्प्लॉय. सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ई नेम हमने सेलेक्ट किया था और नाउ फंक्शन सेलेक्ट किया था, तो नाउ आपको क्या डिनोट कर रहा है, आज की डेट एंड टाइम, राइट. सो
ये नाउ फंक्शन का यूज है कि आपको पर्टिकुलर सिस्टम की डेट एंड टाइम ये प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलर टाइम की जो भी डेट है एंड टाइम है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन्ड हेयर द यूज ऑफ एग्रीगेट एंड स्केलर फंक्शंस. आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.